ये गौर से सुने, इमरान खान मेरी गौर से बात सुन लो, पाकिस्तान इमरान खान, इमरान खान ये गौर से सुने, तब्दीली आ गई है, तब्दीली आ गई है। तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान ने अपना खिताब मुकम्मल किया, लाहौर में किनारे पाकिस्तान ग्राम पर। जरदारी तो कभी कभी पाकिस्तान का दौरा करता है। हम आपको अब जंग पीने देंगे, जितने भी पॉलिटिशियन हैं अपने एहसास डिक्लेयर करो, फिर ना कहना जमहूरियत खतरे में, दो नंबर सियासतदान खतरे में, जरदारी पाकिस्तान खतरे में। ये गौर से सुने, ये गौर से सुने, पाकिस्तान पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान गौर से सुने। दो चीजें कहेगी, पहले तरीके साफ ये कहेगी कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर कभी इस्तेमाल नहीं की जाएगी, और दूसरा पाकिस्तान कभी किसी से भीख नहीं मांगेगा। जब आप भीख मांगते हैं तो वो चाची क्लिंटन आके आगे गाड़े देती है, बेशरम लाइन में खड़े हो जाते हैं झुक झुक के उसके सामने। और अक्सर औरतों को जायदाद में जो शरिया में हिस्सा लिखा हुआ है वो नहीं मिलता बेचारियों को। तहरीक इंसाफ आपके साथ खड़ी होगी, कोई ज्यादती आपसे नहीं होने देगी। चुप जमहूरियत खतरे में तो वो चाची क्लिंटन खतरे में, कराची पाकिस्तान खतरे में। आज अगर कराची में पुलिस गैर सियासी हो जाए, कराची में अमन आ जाएगा। अमेरिका की जंग हमारे हुक्मरानों ने डॉलरों के लिए अपनाई, इस मिलिट्री ऑपरेशन से ना दहशतगर्दी कम हो रही है ना इंतहा पसंदी कम हो रही है। शर्म आनी चाहिए, अपने लोगों का खून बेचा तुमने, 35,000 पाकिस्तानी मरवाए तुमने और 3 बच्चे मरवाए। अमेरिका को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट आएगी हम दुनिया में सबके साथ दोस्ती करेंगे, हम आपके साथ भी दोस्ती करेंगे, लेकिन गुलामी नहीं करेंगे। आप दुनिया में जिधर हरा पासपोर्ट लेके जाएंगे लोग आपकी इज्जत करेंगे इंशाल्लाह। हम खास तौर पे ख्वातीन की तालीम को इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे कि जब औरतों को तालीम मिलेगी वो खुद ही अपने हकूक के लिए खड़ी हो जाएंगे, कि जब कानून की बालादस्ती होगी कोई ताकतवर कमजोर पे जुल्म नहीं कर सकेगा। ये गौर से सुने। So what you're saying is you think you'll have a better chance of meeting women once you're elected.